मणोतर थाना क्षेत्र के कई मामलों में फरार एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी शुभम दहिया एक शातिर अपराधी है, जिस पर जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध दर्ज हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए DSP तुषार सिंह ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार था, जिस पर रांची थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में 1000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिया था, जिससे सूचना प्राप्त हुई थी वह मणोताल क्षेत्र में शराब का लेन देन करने पहुंच रहा है। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और शुभम दहिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। वहीं पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह जबलपुर के किन थाना क्षेत्रों में आपराधिक वारदात करने के बाद से अभी तक फरार था। मणोताल क्षेत्र अंतर्गत एक फरार आरोपी था शुभम दहिया, जिसकी पुलिस बहुत संगीनता से तलाश कर रही थी। उसके द्वारा रांची में भी अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें वो 1000 रुपये का इनामी वहाँ पे भी था। तो कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये अवैध शराब का लेन देन करने हेतु किसी को अवैध शराब बेचने जा रहा है, जिसकी मुखबिरी पर थाना मणोताल पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया घेराबंदी करके एवं उसके पास से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई। तो उस पर उसमें 34(2) मामला भी पंजीबद्ध किया गया है आबकारी अधिनियम का, एवं अन्य मामलों में भी उसकी गिरफ्तारी की गई है एवं सभी संबंधित थानों को सूचित कर दिया गया है कि जिसमें भी ये फरार हो उसको आकर ये गिरफ्तारी उसमें